एक ही वीडियो में 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिनका जवाब आपको पहले से पता हो तो कमेंट में अपना राइट आंसर जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च को। दूसरा सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। तीसरा क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आगरा में। चौथा क्वेश्चन है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? इसका आंसर हो जाएगा चांदी। पांचवा क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। छठा प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कोहिमा। सातवां प्रश्न है, हरियाणा की राजधानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। आठवां प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। नौवां सवाल है, झारखंड की राजधानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा रांची। दसवां सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी को। ग्यारहवां सवाल है, मनुष्य का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर हो जाएगा मानव। बारहवां सवाल है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। तेरहवां सवाल है, पुष्प का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर हो जाएगा फूल। चौदहवां सवाल है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इम्फाल। पंद्रहवां सवाल है, वस्त्र का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा। सोलहवां सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। सत्रहवां सवाल है, असम की राजधानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दिसपुर। अठारहवां सवाल है, महाभारत के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा वेदव्यास। उन्नीसवां सवाल है, भारत का प्राचीन भाषा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। बीसवां सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। इसी तरह नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।